एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और देखिए, नहा धो के एकदम रेडी हूँ, जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैंने सोचा कि आज नहा लेती हूँ और फिर पूजा करूँगी। और ये देखिए, दीदी चाय लेके आ गई है। पूजा कर लूँ? देती हूँ, लो रख लो। लाओ, रख देती हूँ, क्योंकि मैं तो ठंडी चाय पीती हूँ। जब तक पूजा करूँगी जब तक चाय भी ठंडी हो जाएगी। वैसे एक चीज़ होती है कि जल्दी अगर उठो तो पूरे दिन इतनी अच्छी सी फीलिंग आती है, जैसे कि उठो, नहाओ, पूजा पाठ करो, तो बहुत मन शांत शांत सा रहता है। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आजकल ना हम गली में थोड़ी सी खिचखिच सी हो रखी है। छत पे लेटते रहे ना तो ओश पड़ने लगी है, क्योंकि बारिश होती है ना तो गला थोड़ा सा ख़राब है। मेरा ही नहीं, दीदी का तो बहुत ज़्यादा। और इन्हें तो आज फीवर भी आ गया है, तो अभी तक उठे भी नहीं है। टाइम हो चुका है ऑफिस का, मैं मना कर रही हूँ रहने दो, मत जाओ। और जो मेरे देवर हैं उनकी भी तबीयत ख़राब है, मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, सबके गले में खराश सी हो रखी है। गला ना जब जुखाम हो जाता है ना तो लगता है फीवर सा आ रखा हो, तबीयत से ख़राब लगती है। तो चलो चाय पी लेते हैं। पहले दीदी छोटी ग्लास में लेके आई थी, फिर बोली नहीं मैं पी चुकी हूँ तो तुम ज़्यादा वाली चाय ले लो। छोले की सब्जी बन चुकी है, क्योंकि ना आज बच्चे छोले की सब्जी और पूड़ी लेके गए हुए हैं। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा आटा लगाया था, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में रहते हैं। और देखिए, आटा भी ख़त्म हो चुका है। गेहूँ मतलब पिसनो करना है हमें, या तो ये लोग उड़ा देंगे, मतलब लड़के लोग, या तो भैया उड़ा देते हैं या देवर कोई भी। उसके बाद हम लोग उनको बीन लेते हैं या फिर हम ही लोग पिसनो कर लेते हैं। एक्चुअली ना हम लोगों को गेहूँ फटकने ही नहीं आते, धुलना आसान लगता है लेकिन फटकना समझ में नहीं आता है। बाकी मम्मी को ना सांस की दिक्कत है तो वो ये सब कर नहीं पाती हैं। बाकी जब हम लोग धुलते हैं ना तो मम्मी पूरी पूरी हेल्प करती हैं। तो देखिए, आटा वाटा लगा दिया है और अभी पूड़ी की तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। पूड़ी बना लेती हूँ। जो जो पूड़ी खाएगा पूछ ली है मैंने कौन कौन खाएगा, क्योंकि सब लोग इतनी गर्मी में पूड़ी पसंद नहीं करते हैं। और मैं और दीदी हम दोनों ही लोगों को पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली जो मेरा मायका है और जो दीदी का मायका है, हम लोग एक ही तरफ के हैं, हमारी कास्ट भी सेम है। तो हमारी ना खाना पीना है कुछ चीज़ों में मतलब सेम है। जो दीदी को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं वही चीज़ें सेम मुझे अच्छी लगती हैं। और मैं और दीदी ना आपस में बातें करते रहते हैं, दीदी आपके यहाँ ऐसा होता है? तो दीदी कहती हाँ, मैं कहती हूँ मेरे यहाँ भी ऐसा होता है। तो देखिए, बातों ही बातों में हस्बैंड ने खाना भी खा लिया और उनके लिए टिफ़िन भी लगा दिया मैंने। और पूड़ियाँ सेक रही हूँ, एक तरफ तवा भी रख दिया था, रोटियाँ बनाई थी तो रोटी पानी से फ्री हो गई थी। अभी आई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए, धूप अच्छी निकली हुई है और आजकल कपड़े हाथ से ही धुल लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं तो साथ के साथ ही धुल देने चाहिए, लाइट का तो भरोसा है नहीं। सारा काम वाम ख़त्म कर दिया है, खाना पीना सब कुछ बन गया है। आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ, अभी बज रहे हैं 11, क्योंकि मैं सुबह उठी थी 4:30 बजे। तो जल्दी उठो ना तभी जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। क्यों जाना है ये मार्केट में जाके बताऊँगी। तो जल्दी से रेडी होके आती हूँ, ठीक है। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो जल्दी से चलते हैं मार्केट। यार पता है, मार्केट जाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 2 बार मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द हुआ है ना जब भी मैं बाहर निकली हूँ। आज देखो क्या होता है, जाना तो है ही, तो चलो चलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट। अभी दीदी को है बैंक में कुछ काम, तो दीदी बैंक का काम ख़त्म करेंगी, उसके बाद जाएंगे हम लोग मार्केट। कितनी देर लग जाएगी? 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो दीदी तो अपना काम करवा रही है, मैं बैठ के कर रही हूँ टाइम पास। तो बैंक का काम जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। सबसे पहले क्या लोगे दीदी? बच्चों के बैग। सबसे पहले हम लोग लेंगे बच्चों के बैग। उस दिन देखे तो थे बट ना पसंद नहीं आ रहे थे, तो भैया ने बोला था कि कुछ दिन बाद आ जाना, अच्छे अच्छे बैग्स आ जाएंगे। बच्चों
इस वाली शॉप पे ना काफ़ी अच्छे अच्छे बैग थे। भैया ने 3 से 4 बैग दिखाए होंगे। हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें कौन से बैग लेने हैं, क्योंकि जब चीज़ समझ में आ जाती है ना तो फिर पहली नज़र में ही समझ में आती है, और नई अच्छी लग रही है तो चाहे जितना मर्जी दिखा लो अच्छी नहीं लगती। तो देखिए, ये रेड वाला बैग और ब्लू में कन्फ्यूज़न थी कौन सा कलर लें, और ये वाला राधिका के लिए ले लिया था। तो दोनों बैग जो हैं वो हमने फाइनल कर दिए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, चूड़ी वाली गली में आ गए हैं, क्योंकि सावन चल रहा है ना तो हरी हरी चूड़ियाँ तो लेनी पड़ेंगी ना। ग्रीन कलर की चूड़ी का ना अच्छा सा सेट बना दो, जो घर में हम लोग प्लेन वाली चूड़ी होती है ना, जो सावन में तो उसका एक रेशम वाली, एक वाली बताओ, उधर वाली, इधर रेशम वाली, इधर वाली साइज बता दो। प्लेन बिल्कुल हरी चूड़ी आती है वो रखी है आपके पास? नहीं, वो वाली अच्छी लग रही है, वो जो पीछे रखी है ना वो अच्छी लग रही है। उसमें ना पतला सा कुछ गोल्डन सा कंगन मिला के छोटा सा सेट बना दो घर के लिए। हरी हरी चूड़ियाँ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए, ये वाला सेट भैया ने बनाया था, बाकी मुझे कंगन का कन्फ्यूज़न था कि कौन से वाले लगाऊँ, ये वाले कि ये वाले, आप लोग बताओ ना कौन से अच्छे लग रहे हैं ज़्यादा। तो ख़रीद लिए हैं मैंने हरी हरी चूड़ियाँ, आप कोई अच्छा सा दिन देख के पहनूंगी। संडे को पहनते हैं हम लोग ज़्यादातर चूड़ियाँ। और दीदी ने ये 3 रंग की ली हैं, पीली, हरी और लाल। मुझे ना सिर्फ हरी लेनी थी, बट दीदी को ये वाला अच्छा लग रहा था। दोनों ही लोगों की चूड़ी अच्छी लग रही थी। आप लोग बताओ ना आपको कैसी लग रही हैं। और आजकल ये वाले जो कंगन है बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो दीदी को ये भी लेने थे। इन पे ना श्री राम लिखा रहता है, राधे राधे, बट इनके पास थे ही नहीं, इनके पास ना बटरफ्लाइज वगैरह बनी थी। उसके बाद बच्चों की ड्रेस देखनी थी हमें, तो हम लोग ड्रेस वाली शॉप पर आ गए थे। तो हमने ना चूड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें ले ली हैं, तो चलो अभी चलते हैं दीदी थग्गू के गोलगप्पे खाने। यहाँ पे ना मुझे नाम थोड़ा सा फनी है, लेकिन गोलगप्पे वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो चलो चलते हैं खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो कौन कौन खाएगा ठग्गू के गोलगप्पे? नाम सुन के मुझे भी थोड़ी सी हंसी आ जाती है, लेकिन गोलगप्पों का टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जब से मैंने यहाँ के गोलगप्पे खाए ना, मैं कहीं और के खाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पानी भी था, वाटर टैंक खड़ा था, तो सोचा पानी भी पी लेती हूँ मैं। गोलगप्पे खा के ना मज़ा ही आ गया है ना दीदी, मज़ा आया। यहाँ के गोलगप्पे ना वाकई में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं ठग्गू के गोलगप्पे। मार्केट आऊँ और ठग्गू के गोलगप्पे ना खाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो घर पे आ चुकी हूँ, चेंज कर लिया है मैंने, भैया चले गए थे लेने के लिए, भैया ड्रॉप करने भी गए थे, भैया पिक भी करने गए थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रखी थी ना, तो भैया ने बोला कि जो भी तुम्हें खरीदना खरीद लेना, उसके बाद फ़ोन कर देना। फेस पे इतनी टैनिंग हो रखी थी ना मेरे कि मैं क्या ही बताऊं। तो ये जो चावल वाला स्क्रब है ना, इससे टैनिंग जो है एकदम ख़त्म हो जाती है, और चावल का स्क्रब मेरा फेवरेट स्क्रब है। मैं कभी भी कोई मार्केट वाली चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ अपने फेस पे, मुझे ये एकदम बेस्ट लगता है। इसके जो इंग्रेडिएंट है मुझे पता है कि मैंने क्या मिलाया है इसमें। हाथ मुँह धुलने के बाद में ना बड़ा रिलैक्स फील होता है। इन दिनों तो मुझे लगता है मैं 3 से 4 बार नहा लूँ गर्मियों में। और हमारे यहाँ की लाइट यार सबसे ज़्यादा गंदी है। इन फ्यूचर ना मैं बिल्कुल नहीं सोच रही कि मैं यहाँ रहूँगी, क्योंकि यहाँ की जो लाइट है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन लाइट की वजह से ना हालत ही ख़राब होती रहती है। तो देखिए, बहुत दिनों के बाद मैंने स्क्रब किया है यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, अब रेगुलर किया करूँगी। स्किन इतनी डल हो गई थी, क्योंकि धूप में जा रही हूँ ना रेगुलर, तो कलर भी मेरा बहुत ज़्यादा डल हो गया, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है। देखो, मेरे ना ट्राईपॉड का ना वो टूट गया था, जिसमें फ़ोन फिक्स करते हैं ना, ये उस दिन राधिका से टूट गया था। एक बार टूट चुका है, तब मैंने नया मंगाया था, दोबारा से टूट गया, तो मैंने ना एक नए तरीके का ऑर्डर किया, दिखाती हूँ कैसा है। जो फ़ोन फिक्स करने वाला है ना, ये थोड़ा सा अलग मंगवाया है मैंने, क्योंकि जो हमेशा मंगवाती हूँ ना वो बहुत जल्दी टूट जाता है। और इसमें कुछ खींचा तानी वाला सिस्टम नहीं है, इसमें ना इसको सिर्फ कसना होता है, बोल्ट वगैरह लगे थे, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। कुछ कपड़े रखे हुए थे तो उनको फोल्ड कर दिया था मैंने, रख देती हूँ जाके इनको अलमीरा में, क्योंकि साथ के साथ ना थोड़े थोड़े कपड़े फोल्ड कर लो तो सही लगता है। इतने सारे ढेर हो जाते हैं कभी कभी, तो मैं 3-4 दिन मन ही नहीं करता है कि इनको फोल्ड भी करना है, मुझे आलस सा आता है, क्योंकि रूम में जाने का मन ही नहीं करता है जब फैन ऑफ रहता है। तो अभी आ चुकी हूँ मैं छत पे, अपनी आन्या का होमवर्क करवा रही हूँ।
आन्या अपना काम बहुत अच्छे से करती है, जब तक मैं नहीं फ्री होती ना बैठ के मेरे पीछे पड़ी रहती है, मम्मा जल्दी से मेरा काम करवाओ जल्दी से मेरा काम करवाओ। देखो मैंने नेल पेंट लगाई है और देखो खराब भी हो गई मेरी नेल पेंट। हाउसवाइफ के साथ ना ऐसा ही होता है, और मैं जब भी नेल पेंट लगाती हूँ ना मेरे नेल्स के साइड में ज़रूर लगती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन ठीक हो जाते हैं। जब कपड़े और बर्तन धुलती हूँ ना तो सब छूट जाता है, उसके बाद अच्छी लगती है नेक्स्ट डे में, और पूरी की पूरी नेल पेंट ख़राब हो गई है। इस वाले हाथ की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, देखो अजीब सी हो गई है, क्योंकि कपड़े वपड़े उतारे छत पे आई थी, आन्या का काम भी करवाना था, यही होती है एक हाउसवाइफ की लाइफ। मुझे ना आप लोगों से कुछ बात करनी है, मेरे ना दो सब्सक्राइबर हैं आशु और आकांक्षा, तो वो बोल रहे हैं कि आपने मेरा नाम नहीं लिया वीडियो में, हमने आपसे इतने प्यार से बोला। तो देखिए मैं मेरे ब्लॉग क्या होते हैं, कभी कभी लेट होते हैं, कभी कभी क्या हमेशा ही मेरे ब्लॉग जो हैं वो लेट आते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, ऊपर से मेरा बच्चा भी छोटा है तो हो जाता है। मैं जिस जगह पे हूँ मैं समझती हूँ कि क्यों मेरे ब्लॉग्स लेट होते हैं, तो वो वीडियो ही मैंने अपलोड नहीं की थी। अगर मैं बोल रही हूँ आपसे कि मैं आपका नाम लूँगी तो आप मुझे इतना प्यार भी कर रहे हो, सपोर्ट भी कर रहे हो, और अगर भरोसा नहीं करोगे तो फिर किस बात का प्यार और सपोर्ट। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे मत बोला कीजिए कि हमने आपको बोला था अब हम आपसे कभी नहीं बोलेंगे और आप मतलब आप झूठ बोलते हो, इस तरीके की बातें प्लीज़ मत किया कीजिए। मतलब अगर सपोर्ट कर रहे हो तो हमेशा एक जैसे रहो और भरोसा रखो। आज जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें उस वीडियो में आपका नाम लिया है मैंने, तो वो आप जाके जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है? और प्लीज़ आप लोग हमेशा भरोसा किया कीजिए। अगर मेरे से कोई भी रिक्वेस्ट करता है, मतलब मैं अपने हर सब्सक्राइबर का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, आप लोग जाके चेक कर सकते हो मेरी हर वीडियो में, मतलब हार्ट देती हूँ सारी वीडियोस को, और जो रिप्लाई करना होता है वो रिप्लाई भी करती हूँ, और मैंने ये भी बोल रखा है कि मैं क्यू एंड ए वीडियो डालूँगी तो उसमें सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मत बोला कीजिए, प्लीज़ अच्छा नहीं लगता है। थैंक गॉड हमारे गांव में लाइट जो है वो वापस आ चुकी है, और ना जाने कितने दिनों के बाद मैं ऐसे एसी वाले रूम में बैठी हूँ, तरस गई थी यार, गर्मी दिमाग के अंदर तक भर चुकी थी वाकई में। अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है, ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है यार, लाइट के बिना लाइफ अधूरी सी लगती है, ऐसा लगता है लाइफ में अंधेरा सा छा गया हो, क्योंकि लाइट हमारी कितनी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, मतलब सारी चीज़ें लाइट से ही होती है, पानी हम भरे लाइट से, और मतलब जो भी होता है सब लाइट से होता है, लाइट के बिना बड़ा अजीब सा लगता है वाकई में। कपड़े इतने सारे प्रेस के लिए हो गए हैं ना, अब सोच रहे धीरे धीरे करके करना स्टार्ट करूँ, मैंने सोचा आज सुबह 4 बजे उठ के प्रेस करूँ, लेकिन फिर नींद सी आ रही, थोड़ा आलस आ जाता है क्योंकि दिन में रेस्ट नहीं मिलता ना इस वजह से। तो अभी करने के लिए जा रही हूँ मैं डिनर, और देखिए आलू की सब्जी बनी थी, बड़ी टेस्टी लग रही थी। तो खाना पीना खाने के बाद ना सुबह के खाने की तैयारी में लग गए थे, दाल भिगो रहे थे चने की और उड़द की, जिसकी ना मम्मी एकदम टेस्टी सी सब्जी बनाएंगी, जो कि आप नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना। खाना पीना खा के एकदम फ्री हो चुकी हूँ मैं, लाइट अभी भी चल रही है थैंक गॉड, तो बस सोने के लिए जा रही थी। आज बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रही है मुझे, और ना मुझे भी थोड़ा सा जुकाम फील हो रहा है, क्योंकि सिर भारी भारी सा हो रहा है और गले में खुजली हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भी ना जुकाम हो जाए। जुकाम सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, ऐसा लगता है पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है, थकावट सी होती है, बॉडी टूटना और फीवर, ये सब मेरे घर में सबकी तबीयत ख़राब है इस टाइम पर। अन्या के पापा तो सुबह से इतना परेशान है, अन्नू को भी खांसी आ रही है, मम्मी दीदी देवर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो प्लीज़ मुझे ना हो, मैं कैसे ध्यान रखूँगी सबका, वरना है ना, और यार खुद को अच्छा फील नहीं होता है, तो कल देखते हैं क्या होता है, अगर फीवर जुकाम क्या होता है कल मॉर्निंग में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी एसी में सोने के लिए जा रही हूँ ना मैं, तो इसका रिजल्ट सुबह दिखाई देगा। सो फिलहाल ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।